नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टैमरिंग पर। दोस्तों स्टैमरिंग को स्टिचरिंग भी कहा जाता है और इसको हिंदी में डे टू डे लैंग्वेज में हम हकलाना या तुतलाना भी कहते हैं। दोस्तों जब कोई छोटा बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है और वो तुतलाता है, यानी जब वो बोलना कुछ आ रहा है और उसके मुँह से दूसरे शब्द निकलते हैं, तो हम सबको सुन के बहुत अच्छा लगता है और घर वाले भी उसको बार बार बोलते हैं, बेटा आप और बोलो, क्योंकि जब वो तुतला के बोलता है तो उसको सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन यही चीजें जब एक एज के बाद के अंदर ये लगातार कंटिन्यूएशन में रह जाती है कि वो तुतलाना शुरू कर देता है, बोलना कुछ आ रहा है, उसके मुंह से दूसरे शब्द निकल रहे हैं, जब उसका स्कूल जाना शुरू हो जाता है या फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, इसी तरह से अगर एडवांस स्टेज हो जाएगी, जब वो कॉलेज में आने लगे या उनकी मैरिजेज लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो, उस टाइम अगर वो तुतलाने लगे तो उनको प्रॉब्लम्स आने लगती है अपनी पर्सनल लाइफ में और कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी में जाने लगते हैं। उसी तरह से दोस्तों हकलाना, उसके भी एक अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर हकलाट भी हो रही है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड्स को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये दोनों चीजें जो हकलाना और तुतलाना है, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में स्टैमरिंग एक कॉमन वर्ड के साथ कवर किया जाता है, हालांकि दोनों ही अलग अलग कंडीशंस है, हकलाना अलग है और तुतलाना अलग है। क्योंकि जो तुतलाना होगा उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कि जो वर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। सपोज किसी बच्चे को बोलना है राम, तो उसके मुंह से निकलेगा लाम, तो जब वो छोटा बच्चा राम का लाम बोलेगा तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा बच्चा है उसको किसी को बोलना है कि राम और उसके मुंह से निकलेगा लाम, तो उसके लिए वो थोड़ा सा कंडीशन थोड़ी अलग हो जाएगी। इसी तरह से हकलाना के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, उसको वर्ड्स में ही अटक जाएंगे, उस वर्ड को बोलने में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा और वो वहां पे अटक जाएगा, लंबा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए राम बोलना है तो रा 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 राम, इस तरह से करके उसके मुंह से आवाज निकलेगी, या हो सकता है कि बीच में जो होगा वर्ड के बीच में अटक जाए या लास्ट में अटक जाए, उनको जोर लगाना पड़ेगा बोलने के लिए, और कहीं ना कहीं जो है उनका जो है फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगेंगे, उनका मुंह खुला रहेगा और वो साउंड, उनका जो वॉइस है, जो शब्द है, वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा, ऐसा लगेगा अटक गए और बाहर नहीं आ पा रहे, तो वो हो गया उनका हकलाना। तो ये हो गया तुतलाना और हकलाना की अलग अलग कंडीशंस। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हकलाने और तुतलानी यानी स्टैमरिंग की जो कंडीशन है ये किस में ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों ये बच्चे और बच्चियों किसी में भी हो सकती है और यूजुअली छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, और यूजुअल जो इसका एज ग्रुप है वो 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके अंदर भी देखा गया है कि जो बच्चियां हैं छोटी यानी जो लड़कियां हैं, उसके बजाय ये लड़कों की जो है बीमारी ज्यादा है, यानी बॉयज में ये ज्यादा देखने को मिलता है, गर्ल्स में काफी कम देखने को मिलता है। और इसमें यह भी है कि अक्सर ये एज के साथ अपना धीरे धीरे जो है 5 साल के बाद में धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि ये लंबा चला जाता है, जहां कि उनको मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, कि आखिर एग्जैक्टली ऐसे कोई रीजन में पता चल सके कि स्टैमरिंग का जो है क्या कारण होता है। दोस्तों सबसे पहली बात कि इसका कुछ केसेस के अंदर देखने को मिला है कि जेनेटिक, यानी अगर कोई छोटा बच्चा है और उसके मम्मी पापा में ऐसी हिस्ट्री रही है कि उनको हकलाने की या तुतलाने की प्रॉब्लम रही है, तो उस बच्चों के अंदर भी जो है ये जीन्स के अंदर ही अनुवांशिक रूप से आगे ट्रांसफर हो सकता है। उसी तरह से ये देखा गया कि वो बच्चे जिनको घर परिवार के अंदर प्यार नहीं मिलता, या वो जिनको की एंजाइटी, स्ट्रेस या फियर, यानी वो बच्चे जो कहीं ना कहीं हर टाइम कोई तरह के मानसिक डर में रहते हैं, कोई तरह के दबाव में रहते हैं, या घर में देखते हैं कि मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या पापा डोमिनेटिंग नेचर में है, या मम्मी, मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चों के ऊपर कोई तरह का मानसिक प्रेशर है, उनका नेचुरल में अगर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो काफी केसेस में ऐसी कंडीशन में भी देखने को मिलता है कि उन बच्चों को भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है। या कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं या किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं और कोई दूसरा बच्चा है जिसको कि तुतलाने की प्रॉब्लम है या कहीं हकलाने की प्रॉब्लम है, कहीं वो बच्चा अटक रहा है अगर वर्ड्स के अंदर, तो बच्चों को नकल करने की आदत होती है, तो वो बच्चा अगर उस दूसरे बच्चे की नकल करने लगता है कि उनको सुन के अच्छा लगता है, तो ये नकल करने भी धीरे धीरे उनकी भी हैबिट पड़ जाती है और देखने लगते हैं कि धीरे धीरे वो भी उन पर्टिकुलर वर्ड्स में तुतलाने लग जाते हैं या अटक के बोलने लग जाते हैं, जिसको कि हम हकलाना कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्टैमरिंग का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों सबसे पहले कि स्टैमरिंग वाले जो बच्चे होते हैं ये यूजुअली थोड़ा सा उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लगता है, उनके अंदर जो है आत्मविश्वास धीरे धीरे वो खोने लगते हैं। इसलिए आपके जो पेरेंट्स हैं मतलब बच्चों के, उनको चाहिए, उनके बड़े भाई बहन या फैमिली मेंबर्स जो दूसरे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि उस बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, उस बच्चे में आत्मविश्वास जगाए। और घर में आपको लगता है कि किसी भी कारण से अगर ये वीडियो देखने बाद आपको लगता है कि हाँ बच्चे में ये प्रॉब्लम है और घर के अंदर कहीं ना कहीं माहौल अच्छा नहीं,
नहीं है, जिसके कारण वो बच्चा थोड़ा डरा रहता है, सहमा रहता है, तो उस बच्चे को थोड़ा फ्री हैंड दें और उसका कॉन्फिडेंस जो है उसको पैदा करने की कोशिश करें। दूसरी बात, अगर वो बच्चे को ऐसी हैबिट है तो उसका मजाक नहीं बनाए, ऐसा नहीं हो कि बच्चा हो रहा है उसका मजाक बनाए, तो बच्चा फिर और कॉशियस हो जाता है, वो फ्री होकर नहीं रह पाता, उसका कंसंट्रेशन जो है हर टाइम उस पर बना रहता है, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा जो है बढ़ने लगती है। तो बच्चे को मतलब हमें कॉन्फिडेंस देना है और मेंटली उसको फ्री रखना है और घर में उसको एक अच्छा माहौल मिले। दोस्तों उसके बाद जो है ये देखा गया कि अगर बच्चे की एज मान लीजिए 5 साल या 6 साल तक है तो उसको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये चीजें यूजुअली देखा गया कि 5 साल तक जो है धीरे 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 ठीक हो जाती है, लेकिन अगर 5-6 साल के बाद के अंदर भी ये लंबा चल रहा है तो फिर हमें वहां थोड़ा सा ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में सोचना चाहिए। कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि इसके जो कारण की हम बात कर रहे थे कि कई बार बच्चों की जो टंग यानी जो जीभ होती है वो नीचे से चिपकी हुई हो सकती है, नीचे जो ये पार्ट पर्टिकुलरली अगर आप देखें ये पार्ट यानी जीभ के नीचे जो जीभ अपनी नीचे मुंह में चिपकी हुई होती है जहां से, उन बच्चों की थोड़ा एक्स्ट्रा चिपकी हुई होती है आगे तक। तो दोस्तों वहां इसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे कि वहां कुछ थोड़ा सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है कि हल्का से कट लगाते हैं आपके डॉक्टर और वो ठीक हो जाता है, लेकिन इसके लिए अपने को अपने जो डॉक्टर होते हैं ENT डॉक्टर उनसे जाके इसको चेक करवा लेना चाहिए। दोस्तों कुछ वो बच्चे जो कि इन सारी चीजों के बाद भी उनको जो है ठीक नहीं हो पाते या प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाते एज के साथ, तो उसके अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी है और सबसे बड़ी बात बहुत ही सेफ है। अगर आप बच्चों को होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ देते हैं तो बहुत ही सेफ है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है या रूटीन की जो आप लैंग्वेज कहते हो कि इनका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई तरह का नुकसान नहीं पैदा करती। और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हो तो इसके अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो स्टैमरिंग है, आप चाहे उसको हकलाना बोलें चाहे तुतलाना बोलें, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो है ट्रीटमेंट थोड़ा सा टाइम टेकिंग यानी थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट, तो पेशेंस कंटिन्यूटी आपको थोड़ा इसमें जरूर रखनी चाहिए और ये ट्रीटमेंट जो है आपको कम से कम 5 से 6 महीने तक जरूर कंटिन्यू रखना चाहिए। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ हमें बच्चे के अंदर 5% रिलीफ मिला है या 50% मिला है या 100% रिलीफ मिला है, हो सकता है कि 6 महीने में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, हो सकता है आपको लगे 50% ठीक हुआ या 25% हुआ, तो इस ट्रीटमेंट को एज पर कंडीशन थोड़ा सा और लंबा अपने को लेने की जरूरत पड़ सकती है। जो आप डॉक्टर के टच में रहते हो तो और बेटर वे में डिसीजन हो जाता है। दोस्तों अब हम इसकी मेडिसिन पे आते हैं। दोस्तों जैसा आप जानते हो कि होम्योपैथी के अंदर किसी भी डिजीज की कोई भी मतलब मेडिसिन फिक्स नहीं होती, हर केस में हर पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके डॉक्टर आपसे केस टेकिंग करके डिस्कस करके डिसाइड करते हैं और वो आपके लिए बेस्ट वर्क करती है। तो बेस्ट हमेशा ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, चैम्बर में जाएं और डिटेल में डिस्कस करके अपनी मेडिसिन लें, वो आपके लिए बेस्ट होता है। लेकिन यहां हम क्योंकि कुछ मेडिसिन शेयर करते हैं तो मैं आपके साथ वो मेडिसिन शेयर करूंगा जो मैंने रूटीन में देखा है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन बताता हूं जो हकलाने के अंदर काम आती है, यानी वो कंडीशन जहां पे हकलाट है, तुतलाट नहीं, मैं भी हकलाने की बात कर रहा हूं, यानी कि अटक रहे, बोलना जो है मान लीजिए राम कहना था, रा 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 राम कह रहे हैं, या कई बार जो लगता है कि बोलने में जोर लगा रहे हैं, वर्ड लग रहा है बीच में अटक गया, मुंह खुला रह गया और हम शब्द बाहर निकालना चाह रहे हो नहीं निकाल पा रहे, तो ये जो हकलाने की कंडीशन है उसके अंदर दो मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। पहली मेडिसिन हमारी स्ट्रामोनियम 30 और सेकंड मेडिसिन है हायोसाइमस 30। दोस्तों इन दोनों मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 2 बार यानी सुबह शाम लेना चाहिए। इसको लेने का तरीका, डायरेक्टली जीभ पे जो है आप 4 बूंद डायरेक्टली स्ट्रामोनियम की डाल सकते हैं, हायोसाइमस की 4 बूंद डायरेक्टली डाल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा छोटा है मान लीजिए अगर 15 ईयर से बड़ा है कोई बच्चा तो उसके लिए 4 बूंद सुबह शाम दोनों मेडिसिन की स्ट्रामोनियम 30 और हायोसाइमस 30 की देनी चाहिए। और बच्चा छोटा है अगर 6-7 साल से लेकर और 15 साल के बीच के बच्चे की बात कर रहे हैं तो उनके लिए 2 ड्रॉप्स यानी 2 ड्रॉप सुबह शाम बहुत होती है, या आप इन मेडिसिन को ग्लोब्यूल्स या जो दाने होते हैं उसमें मिक्स करके भी आराम और कंफर्टेबली इजी वे में आप ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो थी हमारी वो थी कि तुतलाने की मेडिसिन की हम बात करें। तुतलाने के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चा बोल तो आराम से रहा है, उसको राम बोलना है लेकिन उसके मुंह से निकलेगा लाम, तो यानी वर्ड चेंज हो गया, तो ये हो गया तुतलाना। तो तुतलाने के अंदर 2 मेडिसिन से जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, पहली मेडिसिन है सेम स्ट्रामोनियम, स्ट्रामोनियम वहां भी काम आ रही थी यहां भी काम आएगी, स्ट्रामोनियम 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेनी चाहिए। और दोस्तों सेकंड मेडिसिन हमारी यहां रहेगी बोविस्टा 30। बोविस्टा 30 तुतलाने की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी हमें सुबह शाम दिन में 2 बार लेना चाहिए। तो मैं अगर समराइज करने की कोशिश करूं, अगर हकलाने के केसेस है तो वहां स्ट्रामोनियम 30 और हायोसाइमस 30, इन दोनों मेडिसिन को सुबह शाम लेने से थोड़ा लंबे समय
समय तक आपको लेना है, 5 to 6 months जैसे मैंने बताया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपने को देखने को मिलेंगे। और अगर तुतलाने की प्रॉब्लम है तो स्टामोनियम 30 और बोविस्टा 30, इन दोनों को हमें सुबह शाम लेना है। दोस्तों इसी के साथ के अंदर जो बच्चे जिनको हकलाने की या तुतलाने की प्रॉब्लम है उनके लिए एक एडवाइस और है कि उनको मिठाई या अगर ज्यादा मिठाई खा रहे हैं, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हैं तो वो भी बंद कर देनी चाहिए। देखा गया है कि अगर वो ज्यादा मिठाई खा रहे हैं और उसका अगर हम इंटेक बंद कर देते हैं तो उनको हकलाने और तुतलाने दोनों में रिलीफ मिलता है। उसी के साथ में आपको बादाम देना चाहिए छोटे बच्चों को। दोस्तों अगर जो है बच्चे की एज कम है, मान लीजिए 8-10 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको डेली 2 बादाम भिगो के आप सुबह खिला सकते हैं छील के। और थोड़ा 10 साल से बड़े बच्चे हैं तो वो 4 से 5 बादाम भी ले सकते हैं। और थोड़े बड़े हो गए तो बादाम जो है 8 से 10 बादाम भी खाई जा सकती है। बादाम खाने का तरीका यह है कि आप नाइट में उसको जो है एक कप के अंदर भिगो दीजिए पानी के अंदर, और सुबह उसको छील के और बच्चे को अच्छी तरह, छोटे बच्चे हैं तो अच्छी तरह उनको जो है आप पीस के और दे सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा मक्खन दे दीजिए। ये भी अगर आप लंबे समय तक देते हैं तो हकलाने और तुतलाने के अंदर जो है बच्चे को रिकवरी करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और रूटीन की हेल्थ के लिए भी बादाम बहुत अच्छा है, जिससे उनकी ब्रेन भी स्ट्रांग होगी और हकलाने और तुतलाने यानी स्टैमरिंग में भी उनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आज मैंने हकलाने तुतलाने या स्टैमरिंग पे आपको दी, और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने स्टैमरिंग पे आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।